नमस्ते बच्चों। तो आज हम एक और एक नई कविता सीखेंगे। कक्षा 10वीं की कविता है हमें ना बांधो प्राचीरों में, और कवि है शिवमंगल सिंह सुमन जी। तो हमें ना बांधो प्राचीरों में यह कविता कभी कभी आपको हम पंछी उन्मुक्त गगन के नाम से भी मिल सकती है। तो इस कविता में एक पिंजरे में कैद पंछी की दुख दर्द के बारे में बताया गया है और उसके मन की क्या इच्छा है। वह आज़ादी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, इसके बारे में भी इसमें जानकारी दी है। तो इस कविता में पंछी की तो बात की है, पर पंछी के माध्यम से उन लोगों की, उन मनुष्यों की, उन प्राणियों की भी बात की है जो स्वतंत्रता चाहते हैं या आज़ादी चाहते हैं। तो देखो, पहला, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो नए शब्द देख लो, उन्मुक्त यानी खुला, गगन यानी आसमान, पिंजर बंद पिंजरे में बंद, कनक यानी स्वर्ण या सोना, तीलिया यानी तार, और पुलकित यानी कोमल या नाजुक। ला देखो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। तो यहाँ पंछी मनुष्य से कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, एक पिंजरे में कैद पंछी मनुष्य से कह रहा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी हम जो पंछी हैं हम उन्मुक्त गगन के लिए बने हैं। उन्मुक्त गगन यानी खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हुए हैं। तो हम जब आसमान में उड़ते हैं तो हमें उसकी खुशी मिलती है और हम खुशी से गाते हैं, लेकिन पिंजर बंद न गा पाएंगे। जो आपने हमें पिंजरे में कैद करके रखा है उससे हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। यानी यहाँ क्या कहता है पंछी मनुष्य से कि हमें पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। पंछी क्या कहता है मनुष्य से, हमें खुशी कब मिलती है, जब हम खुले आसमान में उड़ते हैं तब हमें खुशी मिलती है। परंतु यहाँ मनुष्य ने एक पंछी को पिंजरे में कैद करके रखा है, तो पंछी कहता है कि मुझे पिंजर बंद खुशी नहीं होगी, पिंजरे में रहकर मुझे खुशी नहीं होगी और मैं खुशी से गा नहीं सकता। आगे देखो, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक यानी सोने का, सोने के रंग की तीलिया यानी तार, यानी जो पिंजरा है उसके जो तार है सोने के रंग की, उससे पंख टकराकर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। पुलकित यानी नाजुक पंख। यहाँ ऐसा क्यों कहा है, पंछियों को पंख दिए हैं खुले आसमान में उड़ने के लिए, पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ने के लिए। परंतु जब एक पिंजरे में पंछी अपने पंख फैलाकर उड़ना चाहेगा तब क्या हो जाएगा, उसके जो नाजुक पंख है, कोमल पंख है, वो पिंजरे के तार से टकराकर टूट जाएंगे। तो इन पंक्तियों में क्या कहा है, इन पंक्तियों में पंछी की व्यथा, पंछी का दुख दिखाई देता है, उसी के साथ साथ उसकी क्या इच्छा है उसके बारे में भी इसमें बताया है। पंछी क्या करना चाहता है, पंछी खुले आसमान में उड़ना चाहता है। आसमान में पंछी अपने पंख फैलाकर खुशी से उड़ता है, परंतु जब पिंजरे में है, पिंजरे में जगह छोटी होती है, इसलिए जब पंछी अपने पंख फैलाकर उड़ना चाहेगा तब क्या होगा, पिंजरे के जो तार है उससे उसके नाजुक पंख टकराकर टूट जाएंगे। देखो यहाँ कविता की इन पंक्तियों में पक्षी या पंछी मनुष्य से कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर अपना गाना नहीं गा पाएंगे। आप चाहे हमें सोने के पिंजरे में रखें, परंतु उसकी तारों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। उसके आगे देखो, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदासी। नए शब्द देखो, भली यानी अच्छी, कटुक यानी कड़वी बीटर, निबोरी नीम का फल जो कड़वा होता है, और कनक कटोरी सोने की कटोरी। हम बहता जल पीने वाले यानी हमारे जो प्रकृति में जो पानी मिलता है, झरने का हो, नदी का हो, तालाब का हो, तो यहाँ पंछी कहते हैं हम वो पानी पीने वाले हैं, बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो आपने हमें इस पिंजरे में जो बंद करके रखा है, हम यहाँ भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हमें वो बहता जल यानी झरने का पानी, नदी का पानी पीना पसंद है। आगे, कही भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदासी।
तो यहाँ पंछी क्या कहता है मनुष्य से कि आपने मुझे इस सोने की कटोरी में जो मैदे की रोटी दी है उससे बहुत अच्छे क्या है नीम का फल जो कि कड़वा होता है परंतु पंछियों को वही पसंद है। तो कही भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, यानी वह नीम का फल जो कड़वा है वह मुझे पसंद है आपके मैदे की रोटी से। तो यहाँ क्या कहा है पंछी मनुष्य से कहता है कि हमें बहता जल पसंद है यानी झरने का पानी पसंद है, उसी के साथ हमें कटुक निबोरी पसंद है नीम का फल। आगे पंछी कहता है कि भले ही आप सोने की कटोरी में खाना परोसो हमें खाना डाल के दो फिर भी हम क्या हो जाएंगे भूखे प्यासे मर जाएंगे क्योंकि हमें वो खाना पसंद नहीं है। देखो इन पंक्तियों के द्वारा पक्षी या पंछी कह रही है कि हम बहता हुआ जल अर्थात झरनों नदियों का पानी पीने वाले हैं। आप हमें सोने की कटोरी में भी अगर खाना दो तब भी हमें नीम की निबोरी यानी नीम का फल ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। इसके आगे देखो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। नए शब्द स्वर्ण यानी सोना, श्रृंखला यानी जंजीरे, तरु यानी पेड़ और फुनगी यानी वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। देखो यहाँ स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले यानी पिंजरे में बंदी होकर या पिंजरे में कैदी बनकर हम अपनी गति यानी अपनी रफ्तार और अपनी उड़ान किस तरह हम उड़ते थे वह हम सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पंछी क्या कहता है कि अब हम सिर्फ सपने देख रहे हैं। कैसे सपने कि जब हम पिंजरे से बाहर थे तब हम क्या करते थे आसमान में उड़ते थे और उसी के साथ साथ तरु यानी पेड़ का जो सबसे ऊपरी भाग है वहां बैठकर झूला झूलते थे। तो पंछी कहता है कि हम इसके सपने देखते हैं क्योंकि हकीकत में हम ये कर नहीं सकते क्योंकि हम पिंजरे में बंद है। इन पंक्तियों में क्या कहा है पिंजरे में बंद होकर पंछी अपनी रफ्तार अपनी गति उसी के साथ साथ अपनी उड़ान भूल चुके हैं और पंछी क्या देख रहे हैं सपना देख रहे हैं। किसका सपना कि जब वो बाहर थे तो क्या करते थे तरु की फुनगी यानी पेड़ का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उस पर बैठकर झूला झूलते हैं। कविता में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में कैद कर दिया है इस वजह से हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। अब हम सिर्फ सपने देखते हैं कि हम पेड़ों की ऊंची डालियों पर झूला झूल रहे हैं। उसके आगे ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने लाल किरण सी चोच खोल चुकते तारक अनार के दाने। नए शब्द अरमान यानी इच्छा, नील यानी नीला रंग, चुकते यानी खाते और तारक यानी तारे। तो इन पंक्तियों में पंछी अपनी इच्छा बताता है मनुष्य को। उनकी क्या इच्छा थी देखो ऐसे थे अरमान, अरमान यानी इच्छा कि उड़ते नील गगन की सीमा पाने। उनकी इच्छा थी कि ये जो नीला आसमान है उसकी सीमा तक जाने की। लाल किरण सी चोच खोल चुकते तारक अनार के दाने। और दूसरी इच्छा क्या थी अपने लाल चोच से जो तारे है उन्हें खाने की उसकी इच्छा थी। अनार के दाने की तरह उन तारों को खाने की उनकी इच्छा थी। देखो पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाए और अपनी लाल चोच से तारों को दानों की तरह चुने चुने या खाए। लेकिन आज यह सिर्फ एक सपना बन चुका है क्योंकि पंछी अब पिंजरे में कैद है। के बाद होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। शब्द देखो सीमाहीन असीमित जिसकी कोई भी सीमा न हो ऐसा। क्षितिज यानी जहाँ धरती और आसमान आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी आगे बढ़ने की प्रतियोगिता और सांसों की डोरी तनना यानी मरना। देखो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। जब पंछी बाहर थे तो उनके बीच क्या होता था प्रतियोगिता होती थी स्पर्धा होती थी सीमाहीन क्षितिज तक जाने की।
क्षितिज का अर्थ मैंने बताया, जहाँ आसमान और धरती मिले हुए जैसा प्रतीत होता है। वो क्या होता था, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सासों की डोरी। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि वो उस क्षितिज तक पहुँच जाते थे, या कई बार दूर होने के कारण क्या हो जाता था, बहुत से पंछी मर भी जाते थे। सासों की डोरी तनना यानी मर जाना। देखो कविता में पंछी कहते हैं कि उनमें सीमाहीन क्षितिज तक पहुंचने की प्रतियोगिता होती। इसी कोशिश में या तो वो क्षितिज तक पहुंच जाते या उन्हें अपनी जान गंवा देनी पड़ती थी। आखिर में देखो, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नए शब्द नीड यानी घोंसला, आश्रय यानी सहारा, छिन्न भिन्न तहस नहस टू डिस्ट्रॉय, आकुल यानी व्याकुल बेचैन, और विघ्न यानी बाधा। तो इन पंक्तियों में क्या कहा है, इन पंक्तियों में पंछी मनुष्य से पिंजरे से बाहर निकलने के लिए विनती कर रहा है, उन्हें आजाद करने के लिए विनती कर रहा है। नीड न दो चाहे टहनी का, यानी आप पंछी कह रहा है कि आप भले ही हमें पेड़ की शाखा पर रहने की जगह मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा जो घोंसला है उसे तहस नहस कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन भगवान ने हमें पंख दिए हैं। क्यों दिए हैं, उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो हमारी इस उड़ान में, हम उड़ने के लिए जो बेचैन है उसमें आप बाधा मत डालो। हाँ, पंछी मनुष्य से क्या कहता है कि हमें इस पिंजरे से बाहर निकलकर खुले आसमान में उड़ने की आज़ादी दो। आप भले ही हमें रहने के लिए जगह मत दो, हमारा घोंसला तोड़ दो, लेकिन हमें पंख दिए हैं, और ये पंख इसलिए दिए हैं कि हम उड़ सके, इसलिए हमें इस पिंजरे से बाहर निकलकर हमें उड़ने दो। देखो आखिरी पंक्तियों में पंछी मनुष्य से उन्हें पिंजरे से आज़ाद कर देने की विनती करते हैं। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो, हमारे घोंसले को नष्ट कर डालो, किंतु हमारे उड़ने में बाधा मत डालो। तो आज हमने हमें ना बांधो प्राचीरों में या हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह कविता सीखी। तो इस कविता में पंछियों की जो स्वतंत्रता या आज़ाद होने की जो चाह है उसके बारे में इसमें बात की है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी।